रचना जी, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हैं आप, ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। और तू पिंकी लग रहा है, पिंकी पिंकी टिपू, पिंकी कपूर। सिद्धू जी याद आ गए मुझे। तो बहुत प्यारी लग रही हैं अर्चना जी आप। कितने का लिया, कहाँ से लिया? ये वाकई में स्पॉन्सर्ड नहीं है। नहीं मैम, मुझे पता है आप साल में एक बार तो अपने पैसे से खरीदती हैं। ये हमारा प्यार है, प्यार पे सालों से फिल्में बनती आ रही हैं अर्चना जी। और हर बार प्यार में जो पागलपन होता है, जो दीवानगी होती है, उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। ऐसी एक बड़ी खूबसूरत मराठी रोमांटिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वेड़। वेड़। और उस फिल्म से जुड़े मेहमानों को एक एक करके मैं इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में उनको बुलाना चाहूंगा जो फिल्म में तो पति पत्नी है ही, असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा पति पत्नी है। और बड़े ही क्यूट कपल है ये, मैं इनको ये मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एडोरेबल कपल है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मराठी तरीके से स्वागत करेंगे आप सबके प्यारे एडोरेबल कपल जनेलिया एंड रितेश देशमुख। वाहो, धन्यवाद दादा, बड़ा कमाल का बजाया आपने। इसको किसी दिन टाइम निकाल के सीधा कर लो। ये जो आ गए, बहुत बहुत स्वागत है रितेश भाई, जोरदार तालियां हो जाए। आप देखो, मैं आपके आने से पहले यही कह रहा था कि आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। शादी को 10 साल हो गए भाई जी, लेकिन अभी भी इनको देख के ऐसा लगता है हनीमून मना के सीधा मालदीव से लौट रहे हैं ये। मालदीव क्यों यार? हाँ, एक हमारी अर्चना जी की जोड़ी है जी। परमीत सर से जब भी पूछो कितने साल हो गए, वो भी 10 ही बताते, क्योंकि ये ज्यादा बताते हैं तो ये पीटती हैं। मैंने पूछा परमीत सर से, मैंने कहा सर आप बताइए लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है। कहते देख, एक चिंगम होती है ना, चिंगम जी, आप शुरू शुरू में जब खाते हो तो मीठी होती है, तो जैसे जैसे चबाते जाते हो आप तो फीकी होती जाती है। वैसे ही बोल रहे कि आई लव यू जो होता है जी, शुरू शुरू में आप पत्नी को बोलते हो तो फील भी आता है आई लव यू बेबी, धीरे धीरे आई लव यू जो होता है ना ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा ही हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी चिंगम और मीठी होती जा रही है। हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे आप तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहे, ऐसे थोड़ी होता है, बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंगम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंगम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी च्युइंगम? सॉरी, ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी च्युइंगम? मतलब क्या? मैं पहली बार, मेरा एग्जांपल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया लेकिन बात तो सही थी। ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है ये। आप देखो, शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं, 5 साल बाद ऐसा कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो, शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा ले, बीच में हवा निकल जाए, है ना, एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो, मतलब नहीं होता उनको, खाओ ना बेबी कैरेमल, कौन सा, विच वन, ओ नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को दे के बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर भी बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी चिंगम के साथ। पर
जब मैं रितेश और जनेलिया को देखता हूँ ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। हाँ। अभी अभी मिले हैं भाई 10 साल से। इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है जनेलियन, आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जनेलियन? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ते चलो। क्योंकि इसको मेरा चेन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा जनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई है, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी, तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बनाना? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया, तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आपको शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? ऑफ कोर्स। अच्छा? ऑफ कोर्स, ये सब दिखावा ही है कि यू नो आई एम स्केयर्ड ऑफ द वाइफ, ये सब। सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी, तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने। हाँ। कि जहाँ मैं बोल सकूँ। ये क्या? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूँ काट काट वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा शो में क्लोजअप इसके ही लगाना प्लीज। अच्छा घर पे अगर कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती है। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी मोटा डायरेक्टर जालास तू? क्या क्या कोपचे मिले जाके समझाती नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझे हुए ऐसे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां रितेश और जनेलिया के लिए। भाई आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी, तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती है? 100%। नहीं ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुना, तो हम लोग न्यूयॉर्क में थे। अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। हाँ। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज्यादा थी। अच्छा। तो मैंने जिनलिया को आगे बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके। और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। जिनलिया, जहां पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी, ठीक ठीक लगा लो छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, तीन नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ जनेलिया, आपने इनसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म में जैसे ट्रेलर में हमने देखा कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जनेलिया इनके प्यार में पागल है जो बाद में इनसे शादी करती है? वो तो रियल लाइफ स्टोरी है। आपने इनसे कहा नहीं कि मैं वो वाला करेक्टर करूंगी जिनके प्यार में तुम पागल हो? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर और आई मीन यू नो एंड में इधर ही आना है। पता है कि मैं वही कैरेक्टर प्ले करूंगी जहां पर वापस आ। ये पहली दूसरी तीसरी आखिरी चुंगम है ना? ये चुंगम मेरे जिंदगी अब जो चिपक गई है, चिपक गई है, बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा मुझे। रितेश भाई हर बार आते ना और ज्यादा तीखे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि है ना, है ना, है ना? नहीं बिल्कुल, तो मतलब फर्स्ट चुंगम ही बेस्ट है। अब ये चुंगम को खींचे जाएंगे जनेलिया, देखो आप।
गलती हो गई, गलती हो गई। कट बोलो वापस। पर मैं जनरली बोलूं भाई, जब आपका वो शॉट आया ना दोनों का, स्टूडेंट्स का, लग ही नहीं रहा किसी भी एंगल से कि ये दोनों शादीशुदा हैं और दो बच्चों के माँ बाप हैं। वाकई में स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। एक हमारा पांडे, ये जो पीछे बैठा ड्रम पे, ये स्कूल में भी था, दो बच्चों का बाप लगता था। ये पहले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल ने बेल बजाने को भेज दिया, उसको लगा पियोन है। तो फिर इसने आई कार्ड दिखाया कि मैं स्टूडेंट हूं। फिर प्रिंसिपल ने मैनेजर को सस्पेंड किया जिसने इसको एडमिशन दिया था। तो ये अच्छा, ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पे जेनेलिया कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक एक बात याद है। तुम्हें एक भी पल याद है? हाँ। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़कियों को सारी चीजें याद रहती हैं और बीच बीच में लड़कों को पूछती रहती है, तुम्हें याद है आज का कौन सा दिन है? लड़कों का बीपी बढ़ता रहता, क्या हो गया? अब क्या भूल गया मैं? है ना? आप दोनों में से इस मामले में कौन ज्यादा तेज है जिसको डेट्स याद रहती हैं? इनको पिछले जन्म की बातें भी याद हैं। छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं आपका। ओके, पहली बार आप दोनों डेट पे कब और कहां गए थे? केतरी जी देखने के लिए। केतरी जी लिबर्टी। अच्छा अच्छा। सूरज हुआ मध्यम गाना हमें बहुत पसंद था। 27 जनवरी 2012। चलो पहली डेट तो सबको याद रहती है, दूसरी बार आप कब गए थे और कहां गए थे? दूसरी बार डेट पर नहीं, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू। हां, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू हो गया। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है कि फिल्म देखी, उसके बाद सीधा मुद्दे की बात पे आओ। करेक्ट। वाह, वेरी नाइस। आपने प्रपोज कब किया था? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, दो बच्चे हो गए अब तो कर लो एक दूसरे को प्रपोज। एक्चुअली क्या था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है और फिर वो किस तरह कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता, तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मेरी बीवी बोलती कहती है हमें एंगेजमेंट तो भूल ही गए हम, तो रिंग होती ना तो हमने शादी के दिन ही सोचा था, भीड़ इतनी आ गई हमारी, पता नहीं कहाँ अंगूठी गुम हो गई कि बीवी गुम हो गई, तो वो रह ही गया। होती हैं कभी कभी ऐसी चीजें भी। पहली बार झगड़ा आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? नहीं नहीं याद नहीं है मुझे, नहीं याद नहीं। ओके, वेरी नाइस। पहला गिफ्ट रितेश ने आपको क्या दिया था? रोज। मैंने एक रोज दिया था, एक किताब में रखा है उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने परसों दिखाया, 20 साल के बाद भी आज भी वो है। वाह यार, क्या बात है, सो स्वीट। कपिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब डेट करते थे तो उस वक्त वीडियो कॉल नहीं होते थे, मोबाइल SMS जब आउटडोर शूट पे जाते बहुत ज्यादा महंगे होते थे कॉन्टेक्ट करना। शी इज टू वर्क इन साउथ, तो उस वक्त ज्यादा फिल्में वहाँ थी, मैं न्यूयॉर्क में था, 30 दिन का स्केड्यूल था। तो हम एक दूसरे को रोज एक खत लिखते थे। 30 खत उठाकर जब हम मिले तो मैंने उनको अपने खत दिए, उन्होंने मुझे उनके खत दिए। और फिर हम लोग पढ़ते थे कि दिन में क्या किया, कहाँ थे, क्या किया, क्या हुआ, क्या, बिकॉज टाइम डिफरेंस भी था। पहली बार बच्चों के साथ हॉलीडे पे कब गए थे आप, कहाँ गए थे? गोवा। पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना, बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती आपको। हाँ। हमने भी पहली बार किया ना, मैं डर गया था। मैं बता दूं, ये प्लेन में बैठा बच्चा मेरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्योंकि कान में बच्चों के दर्द होता है और बच्चों के दर्द से ज्यादा मुझे दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा था ज्यादा, कि माफ करो माफ करो। लेकिन उसके बाद हम लोग शायद कहीं और जा रहे थे, तो हम लोग बैठे वहां पर और एक आदमी आया दो बच्चों को लेकर, सबको एक चॉकलेट और एक चिट्ठी देके गया। और हम लोग, हमको क्यों दिया था, हम लोग कहाँ चॉकलेट कहाँ, तो उसने पहले लिखा था अगर मेरा बच्चा रोया तो पहले से माफी मांग रहा हूँ। अच्छा, यार ये अच्छी चीज है। आई थॉट इट्स वेरी गुड। तो आप उससे 3-4 चिट्ठियां एक्स्ट्रा ले लेते, खुद भी बांट देते। एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली तुझे मेरी कसम, जो पहली फिल्म थी। बट डिड यू स्टार्ट सीइंग ईच अदर ड्यूरिंग दैट फिल्म? यस। कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। सो मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती वाज नॉट द फर्स्ट, मस्ती वाज माय थर्ड फिल्म, हर सेकंड हिंदी फिल्म। सो वी वर डेटिंग अराउंड मस्ती। हां, बट वी डिडंट नो जब हम मस्ती शूट करते थे तो ये दोनों तो ऐसे, मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा, यू रिमेंबर द शादी सीक्वेंस? शादी सीक्वेंस थी मस्ती की। हम बताते आपको, उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। ओह माय गॉड।
No, really. And we were 2 years. So, उस वक्त शादी हो रही थी, हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं, ऐसे लग रहा था यार, this is a fairy tale. ये जिंदगी में होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है, होना चाहिए, बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी. But you were part of that. I was with Janelia, your mom, na? Yes, yes. और मैंने बहुत पीटा था इसको, रितेश को. जी, बिल्कुल. ये दूध वाला बन गया है मेरे घर में. बहुत पीटा था मैंने. वो तो आप कोई भी आता आपके घर में. हमारा मेमोरी टेस्ट इसी के साथ समाप्त होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. How are you? I'm good. How are you? So pretty you're looking. Thank you. Sharma ji. Hi Bindu. What an unpleasant surprise. What are you doing here? इतने बड़े-बड़े लोग आए, मटर लेके आ गई तू? अरे उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं. मेरे लिए मटर मैं लूँ? मेरे लिए मटर लेके आई है. मैंने सोचा बैठे-बैठे बातें कर ही रहे हो तो बैठे-बैठे जरा मटर भी छील दो. हाँ क्यों जिनेलिया, सही बोला ना. क्यों जिनेलिया, क्या होता है जिनेलिया? तुम्हारी क्लासमेट है, बड़ी मालकिन बोल. बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन. एक सेकंड, छोटी मालकिन कौन है? छोटी मालकिन अर्चना जी. इन्होंने मुझे कहा है कितनी भी छोटी उम्र की हीरोइन आ जाए, तुमने मुझे छोटा ही बताना है. उस हिसाब से बिंदु, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, तुम क्यों इधर आ गई हो? तुम बैठे हो, मटर छीलो, इंटरव्यू मैं लेती हूँ. रितेश जिनेलिया, वेलकम टू द शो. थैंक यू. ये मैं कर चुका हूँ. अगला सवाल पूछो. आधा घंटा हो गया, शो शुरू था, बीच में आके वेलकम. यार आप दोनों की जोड़ी यार. पता है उनको, पता है उनको, सबको पता है. ये बात हम 10 बार कर चुके हैं. आगे बोलो आप. मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा. क्या सबने देखने के लिए बनाया? उसमें क्या है? तुम बीच में टोकना बंद करोगे? रितेश आपके अपने इतने स्कूल है, एक में इनका एडमिशन करा दो ना प्लीज. कुछ तो सीखे ये आदमी. इसको ले जाओ अपने स्कूल, बच्चों को दिखाओ कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे. देखिए शर्मा जी, पति पत्नी के रिश्ते को ना थोड़ा समझो. रिश्ते की कमियों को छुपाया जाता है. मैंने छुपाया ये? आज तक मैंने तेरे को कभी किसी से मिलवाया? तो खुद ही आ जाती है, प्रात लेके आ गई है. जिनेलिया यही प्रॉब्लम है. देखिए आप लोग कितने क्यूट क्यूट रील्स पोस्ट करते हैं और एक ये है, एक फोटो नहीं डालता. डाली थी ना तेरे साथ उस दिन फोटो? अजीब अजीब कमेंट आ गए, लोग लिख रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो ये तो अच्छी बात है. नहीं नहीं, वो कह रहे थे बहुत अच्छे तुम्हारी है, शुक्र है हमारी नहीं है. ऐसे लिख रहे थे लोग. नितेश एक्चुअली पता है, आज के दिन 40 साल पहले मेरे मम्मी पापा पहली बार मिले थे. तो ये मटर पनीर एक्चुअली मैं उनके लिए बना रही हूँ. हाउ वंडरफुल. हमारे माँ बाप, उनको पनीर खिलाऊं मैं? भाई 8 महीने से पड़े हुए हैं घर पे. लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, 6 टाइम जूस पीता बुड्ढा. सीरियसली मटर पनीर खिला रही. उन्होंने कभी ताजा दूध नहीं पिया लाइफ में. उस दिन भैंस का दूध निकाल रहा था, कोई घबरा गया बुड्ढा, कहता भैंस लीक हो रही, भैंस लीक हो रही. खबरदार मटर निकलवाए तो मेरे से. सुंडियों वाला मटर. पापा के पीछे पड़े रहते हो? क्योंकि तुम्हारे पापा खाने के पीछे पड़े हुए हैं. इतना खाना खाता है, इतना उसकी आत्मा भी 110 किलो की हो गई. या देखो प्लीज, आज वो बहुत अच्छे मूड में है. रोको उनको, अच्छे मूड में है तो पहले 9 बच्चे इनके. रोको उनको, अच्छे मूड में है. ये देख लो इनकी हरकतें, देख लो आप मम्मी पापा इनके. क्या चल रहा है ये? डांटले जमाती. डांटले. मैंने तुम दोनों को तल लेना है, बड़े पकौड़े बनाने मैंने दो. अरे दामाद जी, 40 साल पहले आज ही के दिन हम दोनों स्कूल में मिले थे. तो आज हम स्कूल के बच्चे बने हुए हैं. अरे वो सब ठीक है, देखो पहले कौन आया है. माउली माउली माउली. आपकी फिल्म आई थी ना एक विलन, ये मेरी जिंदगी के 2 विलन है. दो भी कौन है, 2 विलन है ये. ऐसा है दामाद जी, कुछ भी कह लो, आज आज हम पे कोई असर ना होने वाला. आज एक खास दिन है. पता है रितेश, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं लाल रंग का सूट पहन के, लाल रंग का दुपट्टा पहन के घर से बाहर निकली ना, तो ये मेरे पीछे पड़ गए थे. हाँ तो फिर लाल कपड़ा पहन के लोग सांड तो पीछे पड़ते ही है. इसमें क्या है? मम्मी पापा को खुले के जोड़ती हूँ, बांध के क्यों नहीं रखती इनको? पता है जेनेलिया,
हम दोनों ना पहली बार शादी में मिले थे। किसकी अच्छा? शादी में? अरे जिन्हें इनविटेशन मिले होंगे वो जाने किसकी शादी, हम तो खाना खाने के लिए घुस गए थे ऐसे ही। है ना? और पता है जल्दी में पकड़ी गई। उसके बाद उनकी लेडीज ने जो मेरी पिटाई करी। और इसको पीटा हुआ देखकर मैंने कहा, अरे अपना हाथ भारी अपनी लाद भारी चामाइला सगरत लाए भारी। और तो और उनका हाथ इनसे भी भारी, उन्होंने जो इन्हें मारी जो मुझे मारी टूट फूट गए हम, हमसे तो चला भी ना जा रहा था, है ना? फिर इन्होंने मुझे सहारा दिया, मैंने इनको सहारा दिया, तब से हम एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। वेरी नाइस। मैं अनुराग कश्यप से बोलूंगा आपकी कहानी पे फिल्म लिख के आपके मुंह पे फाड़े स्क्रिप्ट। आप अंदर चलिए, मैं आपको खाना बना के खिलाती हूँ। चलिए। सॉरी टीचर, सॉरी 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 सॉरी। रितेश और जनेलिया की खूबसूरत जोड़ी के बाद अब बारी है एक और जोड़ी को यहाँ पे बुलाने की। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म वेड के म्यूजिक डायरेक्टर साहब की। जोरदार तालियां आ जाए आज तुम जी के लिए। नमस्ते भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। हमने अभी बात कर रहे थे कि ट्रेलर इतना प्यारा है और उसके पीछे जो आपका म्यूजिक आ रहा है और आपकी आवाज आ रही है जी भाई, बड़ा मजा आया सुन के। जब रितेश भाई ने लय भारी की थी उसमें भी आपका म्यूजिक था और उसके बाद एज ए डायरेक्टर इनकी ये डेब्यू फिल्म है, इसमें भी आपका म्यूजिक है। तो ये सच सच बताना, ये आपके पास जाते हैं कि मैंने फिल्म बनाई इसमें म्यूजिक दे दो, या आप अपना म्यूजिक लेके जाते हैं कि इसमें फिल्म डाल दो? इतनी मोहब्बत आपकी ट्यूनिंग का क्या राज है? देखो एक चीज मैं सबको हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये खाली हमारे पास आते नहीं है, हम उनके पास जाते नहीं, ये हमें लेके जाते हैं। मतलब जितना इन्होंने हमारा नाम सजेस्ट किया है इनका बड़प्पन है, बट हम सब जानते हैं कि टैलेंट की जो रोशनी है ना उसे कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निखर के आने वाली है। और मैं हूँ या कोई और है, दिस सक्सेस इज जस्ट देयर प्योरिटी ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। आपको पता है आपका म्यूजिक तो मैं भी बड़ा सुनाता हूँ अपने दोस्तों को, पर वो सारे उनमें से कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि फिल्म बनाए। तो मैं सुना के इंजॉय करा के भेज देता हूँ उनको कि सुनो बहुत अच्छा है जाओ अभी। अच्छा वेड में रितेश जो है वो एक्टर है, जनेलिया एक्टर है, रितेश इसके डायरेक्टर भी हैं, जनेलिया प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है मुंबई फिल्म कंपनी उसके अंडर बनी है, म्यूजिक भी इनकी कंपनी देश म्यूजिक में रिलीज हुआ है। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि इंटरवल में जो पॉपकॉर्न और समोसे आएंगे वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी या हम अपना ला सकते हैं? तो ये हमारा आज का मेन इंटेलेक्चुअल सवाल था। अभी इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा वेफर भी ले। भाई जब आपने सैराट के लिए म्यूजिक दिया तूफान ला दिया आपने। अच्छा सारे गाने हॉलीवुड में रिकॉर्ड किए, हालांकि जिंगैट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। अब जब कोई आपके पास आता कि भाई सैराट जैसा म्यूजिक देना है, आप सच में एलए जाते हो कि एलए के पैसे लेके इधर कोल्हापुर में बना देते हो आप? नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि सैराट जैसा म्यूजिक हॉलीवुड में ही जाके ही बनेगा, लेकिन या कुछ प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, जैसे ये अभी वेड का म्यूजिक वी रिकॉर्डेड इन बुडापेस्ट। ओके, बट या सी देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर इट के बाहर जाके क्यों रिकॉर्ड करना है। ओके, तो वो पर्टिकुलर साउंड के लिए, वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए, उतना सिनेमैटिक साउंड कराने के लिए कुछ चीजें वहां पे जाके करना बहुत जरूरी होता है। यू कैन इमेजिन हमने पूरा सैराट 2.5 घंटे में रिकॉर्ड किए एंड दैट वॉज क्विक। ऑसम, बहुत बहुत क्या बात है, लव यू भाई। थैंक यू। और दोस्तों अब वक्त है फिल्म से जुड़े एक और अहम किरदार को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करने का। शुभांकर कैसे हैं आप? बहुत सही, मजेदार कपड़े पहने हुए हैं आप। नाम बड़ा प्यारा है आपका, शुभांकर। शुभांकर, शुभांकर सरनेम और बड़ा प्यारा है, तावड़े। है लगता नहीं एक्टर, ऐसा लगता हाई कोर्ट के सीनियर वकील है कोई। इस नाम से खबरें आती। आज शुभांकर तावड़े ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके मुवक्किल जमानत पे रिहा हो गए हैं, पहली फुर्सत में वेड देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शुभांकर आपको। रितेश भाई ने इस फिल्म में लिया, आपने इनको थैंक यू बोला कि आप ही की वजह से आज मैं कपिल शर्मा शो में आया। वो टेलीकास्ट के बाद में बोलूंगा। अच्छा नहीं टेलीकास्ट होगा आपका, जो हम शूट करते हैं टीवी पे आता भी है, ऐसी बात नहीं है। हाय 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 रितेश जी, हाय कैसा है जी? नहीं लिया कैसा तुम्हें?
बरी कसा तुम्ही बरी बरी झिंगाट तुम्ही कसा तुम्ही मला पण मराठी येते मी सुनाऊ प्लीज ऐकू ना एवढं सुंदर बोलताय सरकस होती झकपक बाबड्या त्यात विदुषा काय पण होते रंगीत ध्यान जिकडे तिकडे लुडबुड छान माते त्याने दिली कमाल उडवून दिली भलती धमाल है ना हमको आता सर रितेश जी जनेलिया जी आप यकीन नहीं करेंगे हम कब से आप लोगों का यहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं कैसा ऐसा प्रमोशन को हम ऐसा कर देते हैं ये तो शुरुआत है आगे आके देखिए जस्ट वेट एंड वॉच हाँ जी अतुल जी आपको देखकर यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कल ही हमारी मुर्गी ने अंडा दिया और आज आप दोनों यहाँ पर आ गए ये क्या बात हुई अंडे का इनसे क्या लेना देना लेना देना हाँ एनर्जी इतना एनर्जी वाला गाना है हमारे गाने में जितना नहीं इतना डांस पे था अभी लेकिन गाने में भी उतना है कमाल का एनर्जी है एक हफ्ता पहले अपने मुर्गे को सुनाया था हमने उसने अंडा दे दिया गलत मत समझिए मुर्गी से छीन के ही दिया था कि एनर्जी मुर्गे में इतना आ गया था ना वैसे हमने आपको एक बात बताएं आपका जो कपड़ा डिजाइन किया है थोड़ा गड़बड़ कर दिया है क्या ये क्या है ये जो प्लेन है ना उसके साथ चेन लगाए चेन जो है वो ट्रेन में होता है बिना राइटर के जब आर्टिस्ट खुद मेहनत करता है हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम ट्रेलर में देखे सर आप अपना पहला प्यार भुलाने के लिए दारू पी रहे हैं जी आपको सच बताए हम भी अपना पहला प्यार भुलाने के लिए दारू पिए थे लेकिन भुला नहीं पाए क्यों क्योंकि दारू वही बेचता था ना तो कहीं और से खरीद लिया करना ना कहीं और से खरीदने जाए तो लालची लोग फिर पैसा मांगते हैं ये हमारा जो पहला प्यार था फ्री में हमको दारू पिलाता था प्यार करता था ना छोड़ा क्यों उसको फिर प्यार करता था तो वो दारू बेचता है मजा नहीं ये क्या काम हुआ फिर हम छोड़ दिए लेकिन आप लोग ना रितेश जी जनेलिया जी इतना प्यारा जोड़ी है ना आपका आप लोग को देख के इतना अच्छा लगता है मतलब रियल लाइफ में भी एकदम स्माइलिंग प्यारे चेहरे रियल लाइफ में भी हम देखें इंस्टाग्राम पे भी जो आप लोग ऐसा करते रहते हैं इतना अच्छा लगता है कितना प्यारा जोड़ी है रो क्यों रही है फिर क्योंकि हमारा लाइफ में जोड़ी नहीं बन रहा है अच्छा प्यारा जोड़ी को देखते हैं तो हमको हमारा थैंक यू कोई मिल नहीं रहा है लाइफ में हमें अकेले से पड़ गए हैं सर सर आप तो इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं लोगों को जानते हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए छोटा सा काम कर देंगे जी क्या आप जरा सरकार से बुलवा दीजिए कि कल रात 8 बजे के बाद कोई कुंवारा नहीं रह सकता वाह छोटा सा ऐसा रूल पास करना फिर देखिए छोटा सा ऐसे लड़कों का लाइन लगेगा हमारे घर के बाहर देखिए फिर आप तू चिंता ना कर गुड़िया मेरे हैं पीछे डॉक्टर गुप्ता मैं तेरी उनसे शादी करवाता हूँ अरे वाह हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं आप नहीं नहीं उसका बेड़ा गर्क करना मेरे को वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है लेकिन शर्मा जी आप ये जो बातें बनाते हैं ना ये मत बनाइए क्यों नहीं सोनी पे एक शो आ रहा है मास्टर शेफ नाम का वहाँ पे जाके ना आप खाना बनाइए ये जो नया नया आप बातें बनाते हैं वैसे जाके नया नया खाना बनाइए शायद कोई प्राइस भी जीत जाए आप वहाँ पे बुढ़िया तेरा हो गया अभी कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ हमारी ना सर एक सिस्टर है रानी नाम है उसका वो बहुत एकदम आप लोगों से मिलने के लिए बेकरार है एकदम पागल हो रही है मतलब वेड़ जालिया है टोटल हम उसको यहाँ पे बुला लें आपसे मिलेगी बस थोड़ा सा रानी रानी है दीदी रितेश देशमुख हमको भी दिख रहे हैं दीदी रितेश हमारा हाथ काहे दबा रही हो अरे हाँ हाँ रितेश देशमुख ही है हाय हाय हमने आपके फिल्म का ट्रेलर देखा मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू
जिनेला जी आप एज ए प्रोड्यूसर आपने पैसे दिए, रितेश जी आपने डायरेक्शन दिया, अजय अतुल जी ने म्यूजिक दिया, तावड़े जी कैसे हैं आप? मैं क्या बोलूं? दीदी मुझे तावड़े जी से दिल की बात कहनी है। बस प्लीज कहो। इनके साथ कॉफी पे जाना चाहती हूँ। हमारी बहन बड़ी हो गई है। कॉफी पे जाना चाहती है। A lot can happen over coffee. हाँ ये। क्यों जाना है कॉफी पे इनके साथ? मैं कॉफी पे जाऊंगी, ये सामने बैठे होंगे, मैं इनके आंखों में आंखें डालूंगी और हाथों पे हाथ रखूंगी और प्यार से पूछूंगी, तावड़े जी मिट्टी का घड़ा कहाँ मिलता है? मिट्टी के घड़े के पीछे पड़ गई है? अच्छा रोमांटिक माहौल बना है, आप दोनों साथ में बैठे हैं, हाथ पकड़ा है, आंखों में आंखें डाल के देख रही है, तो ठीक से सामने से पूछना कि आप हमारी बड़ी बहन से शादी करोगे कि नहीं, ये पूछना चाहिए, है कि नहीं? दीदी वो आपसे शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका नाम शुभांकर है, आपसे शादी करने के बाद अशुभांकर हो जाएंगे। मजाक कर रही हूँ दीदी, मैं आपसे तो सीख रही हूँ मजाक करना। मैंने एक और मजाक बनाया है, सुनाओ। सुना। आप मुझसे पूछिए तू मुंह फुलाकर क्यों आई है? तुम मुंह फुलाकर क्यों आई है? क्योंकि मैं आपके जैसे बॉडी फुलाकर नहीं आ सकती। दीदी आपको बुरा लग गया, सॉरी दीदी। बेकार बेकार की बातें करती रहती है, एक दिन ना तुमको ऐसा टिकट कटा के सच में गांव भेज देंगे, लेकिन एक्चुअली भेज नहीं सकते। क्यों? क्या है कि हमारा मोबाइल फोन इसके अंगूठे से खुलता है ना। तो उसका अंगूठा क्यों लगाया? अपना अंगूठा लगाती? हम पढ़े लिखे हैं, अंगूठा काहे लगाएं? सही बात। दीदी हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए अपना अंगूठा काट के दे सकती हूँ। कभी कभी ऐसी बात करती है ना, दिल आ जाता है, कितनी प्यारी है। दीदी हाँ जो मैंने आपसे कहा था बात करने के लिए। हाँ 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 मैं करती हूँ, करते हैं। ये ना हमारी जो बहन है काफी टाइम से मुंबई में एक्टिंग थोड़ा थोड़ा सीख रही है, अच्छा करते हैं, हमने खुद देखा आईने के सामने खड़े होकर घर में अच्छा एक्टिंग करती है। सर आप प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं, थोड़ा अगर देखेंगे उसका टैलेंट अगर आपको सही लगा जी जी ये तैयार करके आइए, कुछ ऑडिशन के लिए सीन आपको दिखाएगी। सर रेडी हैं देखने के लिए? दीदी मैं पूरा लिख के लाई हूँ। अच्छा पूरा दिखा 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 जी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये तो फेमस डायलॉग है, ये वाला तू बोलेगी। हाँ जी दीदी। दीपिका पादुकोण ने बोला था, भुला देगी दीपिका पादुकोण को, आप देखिए ये करके दिखाएगी। रेडी एक्शन। दीदी एक बार पढ़ लूं? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ठीक रेडी रेडी है, थोड़ा नर्वसनेस होता है आपको? बिल्कुल होता है। ठीक है रेडी जी। एक्शन। दीदी स्टार्ट में क्या था? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम तक। स्टार्ट का ही दीदी, बाकी मुझे याद है। बाकी याद है उसको? करेगी करेगी ना दीदी, पूरा लाइन रेडी रेडी। कॉन्फिडेंस रख, डरना नहीं है, एकदम पूर्ण। अच्छा अंदर से ठीक है रेडी है? ओके रेडी एक्शन। एक चुटकी सिंदूर के बाद क्या था दीदी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू रमेश बाबू रमेश रमेश बाबू बैठे हैं, हमको पूछना है कि तुम क्या जानो रमेश बाबू। सिंपल है। हाँ दीदी ठीक है जी, याद रहेगा। हाँ ठीक है रेडी करेगी? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा होता है। एक्शन। दीदी चुटकी कितनी थी? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। चुटकी एक थी। और कीमत किसकी है? सिंदूर की कीमत है। बाबू कौन है? रमेश बाबू है। रमेश बाबू एक रमेश बाबू है। चुटकी की कीमत एक चुटकी सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत पूछ रहा है, एक चुटकी है रमेश बाबू है, बाबू भी एक ही है चुटकी भी एक ही है। ठीक है
एक चुटकी सिंदूर की मत तुम क्या जानो रमेश बाबू बस ठीक है आप एक्शन बोलिए क्या बोलेगी जी एक्शन एक चुटकी सिंदूर की कीमत इधर देख इधर देख इधर आ ये देख क्या लिखा है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू क्या है उसमें है लाइन है पूरा लिखा हुआ है ठीक है कॉन्फिडेंस रख अंदर ठीक है आया अभी क्या उल्टा रेडी हो करेगी एक्शन एक बाबू की कीमत सिंदूर अरे जा बाबू की कीमत बाबू की ऐसा होगा एक्टिंग हम माफी चाहेंगे हम सॉरी बोलते हैं हम एक गलत बहन को यहाँ पे लेकर दीदी मैं करके दिखाती हूँ दीदी नहीं अब नहीं देखना दीदी प्लीज एक वो मना कर रहे हैं मैं करके दिखाऊं मना कर रहे हैं उनको कुछ नहीं देखना उनसे गलती हुआ लड़की में टैलेंट सॉरी दीदी हाँ कोई बात नहीं हम मान गए हो गया माफ किया तुम्हें ठीक है आज इसको ले जाते हैं लेकिन एक दिन तैयार हाँ हाँ समझ गया है माफ किया तुमको लेकिन एक ना एक दिन जरूर तैयार होगी तब इसको लेकर आएंगे सुन लिया तुम्हारा सॉरी सुना हमने हो गया सॉरी ठीक है माफ कर दिया है आप माफ किया है सर माफ किया है सर आप सर माफ किया है सर इंडिविजुअली सबने माफ किया है तुमको ठीक है अब हो गया है लेकिन सर एक मौका हमको दीजिएगा एक बार आपके ऑफिस में आके हो यार हम माफ कीजिए हम इसको तैयार करके लाते हैं कि मुझे भाई आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ डालते हो ना उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं पिछली बार अगर पढ़ चुका था मैं दिखाइए जरा रितेश भाई ने फोटो डाला यू कैन टेक ऑन द वर्ल्ड इन ए गुड सूट वेरी नाइस पिक्चर आइए कमेंट्स देखते हैं ये होता है स्टारडम ट्यूबलाइट उखाड़ दी फिर भी जल रही है लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में मैंने भी जल्दी ट्यूबलाइट पकड़ ली थी उस चक्कर में मेरे हाथ से लव लाइन ही जल गई और दिखाइए द बेस्ट पाथ ऑफ लाइफ जर्नी इज हु यू गेट टू शेयर इट विद वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं जेनेलिया ने फोटो डाला ये शादीशुदा आदमी को बीवी लंबी टाई और लंबी बेल्ट इसीलिए पहनाती है ताकि वो उसे दूर से ही खींच ले अरे रितेश जी आपकी वाइफ बहुत अच्छी है आपने मुंह दूसरी तरफ किया है तो हाथ पकड़ रही है मेरी तो सीधे गर्दन पकड़ती है मुझे नहीं पता था स्टार लोग भी ऐसा करते हैं बीवी की ड्रेस से कपड़ा बचा तो खुद की शर्ट बनवा ली रितेश सर भी रणवीर की संगत में रहने लगे और दिखाइए अजय अतुल साहब ने फोटो डाला एट सैराट शूट लोकेशन आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं बहुत पुरानी है अदालत के बाहर दो लोग अपनी बेल का वेट करते हुए और दिखाइए सब बच्चों की छुट्टी हो गई बस इन दोनों के घर वाले अभी तक लेने नहीं आए एक बात तो माननी पड़ेगी भले ही फोटो इन्होंने सोलापुर में ली हो टैग लॉस एंजलस तक किया है अच्छा और दिखाइए शुभांकर ने ये फोटो डाला माय लव फॉर देम इज नेवर एंडिंग एंड देयर लव फॉर मी वेल यू कैन सी इट माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग्स दिस पिक्चर माइट स्टिर सम कंट्रोवर्सी आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं इसीलिए कहते हैं चूमते वक्त आंख बंद नहीं करनी चाहिए रितेश ने तो आपको चूमा मैंने तो शराब पी के बिजली का खंभा चूम लिया था पहले मेरे दोस्तों में भी बहुत प्यार था फिर जब एक दिन मैंने उनसे पैसा उधार मांगा सारा प्यार ना जाने कहां चला गया फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हैं कई लोग और दिखाइए व्हाइट इज नॉट ऑलवेज लाइट एंड ब्लैक इज नॉट ऑलवेज डार्क बड़े लिखे लोगों की बातें हैं ये आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं
ऐसा पोज कॉन्फिडेंस के साथ बंदा तभी बना पाता है जब उसने अंदर बॉक्सर पहना हो। हमारा बेटा 2 साल का है, उसे भी जब डायपर बदलवाना होता है ऐसे ही पैर उठा लेता है। ओहो सुपर। और दिखाइए। सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन, इट लास्ट लॉन्गर। वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। वेरी नाइस के बाद जो आने वाला है वो तकलीफ है। सही कहा मैडम, इनफैक्ट जहां इज्जत ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो आजकल ससुराल भी नहीं जाता। मैं जब ट्रेन में सफर करता हूं तो ऐसे ही हाथ लटका के बैठता हूं ताकि नीचे से मेरा सामान ना कोई ले जाए। और दिखाइए। Oh, oh my God! Ajay Atul साहब ने फोटो डाला, एक लॉन्ग राइड इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, यू विल सून फॉरगेट। बर्थडे सेलिब्रेशन। कहाँ का फोटो भाई ये? पंचगनी। पंचगनी, ओके। पंचगनी दिखाइए कमेंट्स नीचे। अतुल जी अकेले खड़े हैं, लगता है अजय जी झाड़ियों में गए हैं। नहीं भाई, अतुल जी सोच रहे हैं इतनी दूर आ गया अजय, रास्ते में कहाँ गिर गया। फिर किसने रिप्लाई किया है, ना झाड़ियों में गए हैं ना गिरे हैं, मुझे लगता है वही फोटो खींच रहे हैं। फिर किसी ने रिप्लाई किया, वाह भाई वाह, तू सीआईडी में जा। और दिखाइए। सर मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, हम फूड डिलीवरी वालों को कहाँ कहाँ ऑर्डर देने जाना पड़ता है। और दिखाइए। नथिंग कैन बीट दिस, योर रूट्स आर द वंस दैट विल टेक यू प्लेसेस, नो मैटर वेयर यू गो विल ऑलवेज कम होम। चांगला फोटो, बहुत अच्छी फोटोग्राफ है, बहुत पुरानी है ये, बड़ी ऑर्गेनिक फोटो है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। वाह मानना पड़ेगा, बैल भी जोड़ी में रखे हैं। अब ये भी बता दो कौन सा अजय का है कौन सा अतुल का। और दिखाइए। लगता है बैठे बैठे इनकी तशरीफ सुन हो गई, अब खड़े होके अजय देवगन बन रहे हैं। और खत्म। धन्यवाद। पॉपकॉर्न ले ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले, पॉपकॉर्न ले ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले, अरे पॉपकॉर्न, अरे वाह 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 वाह, नमस्कार नमस्कार, क्या बात है। मराठी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा रखी है। तुझे पता था इतने प्यारे प्यारे लोग, तू चप्पल पहन के क्यों आ गया? तो यार चप्पल पहनना कौन सी बुरी बात है, जॉन इब्राहिम भी चप्पल पहन के घूमते हैं और साउथ के बड़े बड़े स्टार्स चप्पल पहन के हिट हो रहे हैं। वो शौक से पहनते हैं। तो हम भी शौक से पहनते हैं, हमें कौन सा जागीर में मिली है। आप इनकी बातों में कृपया ध्यान ना दे भाभी। What? ये तेरी भाभी कहां से हो गई बे? अरे जब ये भाई हुए तो वो भाभी हुई। और तेरी तो अपनी भाभी भैया जैसी लगती है। मैं मजाक नहीं, मैं इसके घर गया, इसकी भाभी कहते और भैया बड़े दिन हो गए आए नहीं, आज कैसे आना हुआ। मैं कहा बस आप ही की शेविंग क्रीम देने आया हूँ मैं। खबरदार जनेलियो को भाभी का, रितेश को भैया कहा। तो यार तुम आए भी तो लॉकडाउन में थे, उस वक्त ब्यूटी पार्लर बंद थे, उस वक्त तो हर बुआ फूफा लग रही थी। देखा तेरे आते ही मक्खियां आनी शुरू हो जाती। तो देख लो आई किस पे है। उड़ के आई है यहीं से। शाबाश। ये ले। देखा मेहनत करते रहो, होता है कुछ ना कुछ निकलेगा। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। सर ये सुपर हिट टॉकीज। सर ये मेरी है, मैं ना अभी इसकी ना चेन्स खोलना चाहता हूँ। पहले पजामे में नाड़ा डलवा ढंग का। इसने डाटा केबल डाली हुई है, आपको पता है पजामे के नाड़े की जगह। जिस दिन अपना मोबाइल चार्ज करता है कोई इसके कमरे में नहीं घुस सकता। कपू शर्मा उसको जुगाड़ कहते हैं। सर मैं ना इसकी इसी मतलब बातों से मन बड़ा खट्टा होता है। भाई आपकी क्रिकेट टीम है ना जी, सर मुझे उसमें रख लो, मैं विकेट कीपर बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग धोनी धोनी कहते हैं। और मैं सच बताऊँ विकेट के पीछे खड़ा होकर मैं गेम चेंज कर देता हूँ। गेम चेंज कर, किसी ने टाइम निकाल के पजामा चेंज कर अपना। तो मैं एक ना इंग्लिश की कहावत है मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ, के डोंट जज ए मैन फ्रॉम हिज पजामा। जो तुमने इंग्लिश बोली ना पंजाबी में। सुबह से मैं जब से आया हूँ ना बाहर वारंटी के बैठा रिहर्सल कर रहा था। मैंने भी देखा था, है ना? मैंने भी देखा। ये थी तेरी रिहर्सल। और जो मैंने रिहर्सल की थी उसने लाइनें काट दी, उसका क्या? अपने बताता नहीं।
इसीलिए काटी मैंने, क्योंकि वो लाइनें ज्यादा थी. मैंने कहा नहीं काम खराब हो जाएगा. जेनेलिया इतनी स्वीट है ना, हर बात पे लाफ्टर दे देती है. सोच तूने उसको भी शांत कर दिया है. यार मुझे उनसे भी बात करने दे जरा, आए गेस्ट. उनसे तो पूछो वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते. चाहते सर, करना चाहते. मैं सर मैं आपको बताता हूँ सच में जी. सर हम पंजाब से हैं, हम जब किसी भी मुल्क में चले जाएं ना तो ऐसा लगता है कि पंजाबी गानों में सारी दुनिया नाच रही है. सिर्फ सर एक आपका गाना था वहाँ बठिंडा में, पंजाबी आपके गाने पे भंगड़ा डाल रहे थे. जिंग 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 जिंग. सर ये कमाल आपका है. वाह वाह वाह, सच में बता रहा हूँ. तो फिर क्या चाहिए इससे आगे, इसका कैसे वाइंड अप करना है? बात तो शुरू कर दी तुझे. आप वही तो मतलब तो बोल ही दे. आई विद यू, मतलब मेरा ऐसा लगता है मेरी बीवी है ये. इतनी हैंडसम है तेरी बीवी. इतना पीछे. सर मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी, कभी दोबारा ऐसी एल्बम बनाए तो सर प्लीज मुझे उसमें मॉडल लीजिए. तेरी शादी के एल्बम में तेरी बीवी को प्रॉब्लम थी तेरे से. उसने फोटोग्राफर को बोला कि देखो फोटो तो अब हो गई. पहली बार किसी की शादी में VFX का काम हुआ है. उन्होंने VFX में सेहरा डाला इसके मुंह पे सारी फोटो में, और वो तुझे लेंगे अपने गाने में. मैं मेन बात बता दूं रितेश भाई, उस दिन मैं ना हैंडसम ज्यादा लग रहा था. ये अपनी बीवी पे गया स्वागत वाले दिन तो कहती है अरे घूंगर उठाने लगे, कहती अरे कुंडी तो लगा दो, ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया. जा यार फिर. रितेश सर ये मुझे इतना तंग करता है. मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे. रितेश लाइफ में इतना क्लियर है, आज पहली बार तेरी वजह से कंफ्यूज हुआ क्या? कैसे? च्युइंगम के जैसे. सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं. सर मैंने ना एक्चुअली एक स्टोरी लिखी है. वाओ. तो सर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे ना मेरी लाइफ बन जाएगी. तो जो उनकी लाइफ खराब होगी उनका क्या? ऐसे कैसे खराब होगी यार, अक्षय पाजी हाँ कर चुके हैं फिल्म के लिए. अच्छा हाँ हाँ. तो ये प्रोड्यूस करें? हाँ. अच्छा हाँ. हम कैसे मान लें अक्षय पाजी मान चुके हैं? वो आएंगे इधर खुद बोलेंगे उनको. क्या बात है रितेश जी आए हुए, जेनेलिया जी आए हुए. नमस्कार नमस्कार. नमस्ते अक्षय जी. क्या बात है, हर जगह पे छाया हुआ है ये बंदा. वाह. जहाँ नजर जाएगी रितेश देशमुख वहीं नजर आएगा आपको. हाँ। आप टीवी पे देख लो एंकरिंग करते हुए दिखेंगे, OTT पे इनकी फिल्में आ रही है, डायरेक्टर हैं और अब प्रोड्यूसर भी बन गई. वाह वाह वाह. लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? जेलसी भी कोई चीज होती है. सही है सही है. एक दोस्त कामयाब होता है तो दूसरे दोस्त को थोड़ी बहुत जलसी तो होती है. आप तो जानते होंगे. जेनेलिया जी मैं आपको कहना चाहता हूं रितेश जी के बारे में, वेरी गुड मैन. इतना लॉयल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी लड़की को इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा है. जो लिख के दिया था वो बराबर बोल दिया ना. क्या कर रहे हो ऐसे? हस्बैंड वाइफ में तुम झगड़ा करवाओगे? झगड़ा अगर हो भी जाए तो ये उस झगड़े पे भी रील बना देंगे, व्यूज ही व्यूज आएंगे. लोगों को ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है लेकिन इनको पता चलता है कि रील बन रही है, व्यूज आ रहे हैं उसमें. सही बोले सही. लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आपसे नाराज हूं, गलत किया है आपने मेरे साथ. क्यों? रितेश जी और मेरी बहुत सारी फिल्में साथ में आई, आपने देखा होगा. हे बेबी में हमने काम किया, हाउसफुल की सीरीज में हमने काम किया, लेकिन जब रोमांटिक फिल्म की बात आई तो इन्होंने बीवी के साथ कर ली. भूल गए मुझे. अरे कैसी बात. हाँ बीवी के साथ ही करेंगे रोमांटिक फिल्म. मैं आपके लिए वो जो स्टोरी वो लाया हूँ मैं. क्या बात कर रहे हो? सुना सकते हो? ठीक है सुनाओ सुनाओ. सर फिल्म में हीरो हैं. अच्छा सर ओपनिंग सीन. अच्छा आपकी ग्रैंड एंट्री. ग्रैंड एंट्री हो रही है मेरी. गली में पैदल. ये कैसी ग्रैंड एंट्री है, मैं पैदल जा रहा हूँ. मेरी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी. सर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर गली में कैसे आएगा? एक बात बता, फिल्म में बड़ा कौन है, मैं कि हेलीकॉप्टर? आप? तो फिर जब मैं पैदल आ सकता हूँ गली में तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सकता? wow.
क्योंकि हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े पंखे हैं। हाँ तो पंख काट दो, गंजा हेलीकॉप्टर लेकर आओ। गंजा हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे? साले मैंने तेरे को बोल दिया हेलीकॉप्टर चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो तेरे को गंजा कर दूंगा मैं। नहीं नहीं छी 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 छी, ए अभी ऐसा लग रहा है गंजा कैसा लगेगा। दूसरा सीन बताओ मुझे। सर आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट एक्शन। अच्छा पहले सीन में एक्शन? एक्शन क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर आप हाँ। जा रहे हो सामने 30-40 गुंडे आ रहे हैं। 30-40 गुंडे हॉकी हाथ में, तलवारें हाथ में, यस चाकू हाथ में, और सीधे आपके सामने आंखों में आंखें डाल के, यस उन्होंने हथियार फेंके, बोले हम नहीं कर सकते सॉरी। साले ये जो मैंने वार्म अप किया आधा घंटा, मैं किसको मारूं? मैं तेरे को फेलूंगा। नहीं नहीं उनका बॉस है ना, उनका बॉस है आगे 250 गुंडे लेके। 250 गुंडे उनके हाथ में गन्स, सबके हाथ में गन्स, सबके हाथ में गन्स। अच्छा और आप टाइगर श्रॉफ की तरह, अच्छा हाथ में 12 केले लेके। 250 लोग खड़े हैं बंदूकें लेकर, मेरे हाथ में 12 केले, मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे? मैं कैसे लड़ूंगा उनसे? सर आप एक केला खाएंगे छिलका नीचे, दूसरा खाया छिलका नीचे, तीसरा खाया छिलका नीचे, उधर से गोलियां चली छिलके पे डल के फिसल के वापस अपने गुंडों को लगेंगी। ऐसे ये एक्शन है? नहीं 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 नहीं, ये एक्शन कॉमेडी है। ये तेरी कॉमेडी है? तभी ऐसी कॉमेडी करता तभी लोग नहीं हंसते। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये सब एक्शन कॉमेडी ये सब मैं कर लूंगा। हाँ इनकी रोमांटिक फिल्म आ रही है इन दोनों की। है आपकी हीरोइन? मेरी भी हीरोइन है? हाँ, हाँ। अच्छा क्या बात है सर, इतनी पतली कमरिया, इतनी सी थोड़ी इतनी, अच्छा ठीक हाँ। है वो चल के आपके पास आती है? मेरे पास आती बिल्कुल है, बिल्कुल पास। अच्छा आके कहती है हाँ। आए हाँ। I am done with you, break up। खत्म सीन। बस ऐसा मुंह बना के आपने पूरी रात रोना है? पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं। क्यों? पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं, 9 बजे तक रो लूंगा। रात नहीं रोऊंगा मैं, 9 बजे तक रोऊंगा, फिर सो जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, ब्रश वगैरह करके 4:15 को वापस स्टार्ट हो जाऊंगा। अब आगे का सीन बता तू। आपके आंसुओं से हाँ लड़की पिघल गई। अच्छा उसने फोन किया, हेलो मेरे घर में आज रात को पेरेंट्स नहीं है, अच्छा रात को 1 बजे मिलने आ सकते हो? हाँ। और आप स्लो मोशन में भागते हुए हाँ। सीधे उसके घर के बाहर हाँ। सुबह 6 बजे। लड़की रात को 1 बजे बुला रही है, मैं 6 बजे क्यों पहुंच रहा हूँ? क्योंकि आप रात को सोते हो ना। नहीं 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 नहीं। स्क्रिप्ट के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है रात को 1 बजे पहुंचना है, तो मैं लड़की को मिलने 1 बजे ही पहुंचूंगा। लेकिन आप तो रात को काम नहीं करते। नहीं जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं कभी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर लेता हूं। ये सब मेरा रोज का काम है, ये मैं कर लेता हूं। बजट की बात बताओ, फिल्म बनाने आए हो, मुझे पता चला कि रितेश जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इन्होंने आके यहाँ पे हमें बोला कि आप फिल्म करना चाहते हैं, तो इनको मनाने आए ये? नहीं मेरे साथ झूठ बोला तूने। नहीं रुक तू, मेरी रुक तू, मेरी रुक रुक मेरी बात तो सुनिए, रुक अरे मेरा सामान रह गया उधर। अच्छा रितेश भाई, मोरे रितेश भाई, ये सच है कि इस फिल्म के लिए जेनेलिया ने जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो भी पहना है वो आपने खुद डिसाइड किया है? जी। आपको डर था कि ये ज्यादा खर्चा ना कर दे इसलिए? नहीं, मुझे डर था ये खर्चा ही ना करे। अच्छा जेनेलिया एक बात बताइए, फिल्म में तो इन्होंने आपके लिए सारी ज्वेलरी और सब कॉस्ट्यूम इन्होंने खरीदा, जब ये खुद कहीं बाहर जाना होता है कहीं तैयार होके, खुद डिसाइड करते हैं ये कि मैं इस बेल्ट के साथ ये पेंट का कलर पहनूं या ये शूज पहनूं, कि आप करती हैं डिसाइड? नहीं नहीं 100% रहते हैं, अपने आप ही करते हैं, ज्यादा टेंशन लेती हैं आप? अच्छा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जब हम मॉल में जाते हैं, मियां बीवी साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े लोगों को कंप्लेंट रहती है, बीवियों को ये रहता है कि इसमें पेशेंस नहीं है पति में, पति को ये लगता है बहुत टाइम लेती है। आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं कि शॉपिंग करते वक्त कौन ज्यादा कंफ्यूज रहता है और कौन नहीं रहता है? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका ब्रदर?
शिवम, पुणे से आया हूँ। जी शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Hello. जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आई मीन क्या विचार है आपके? हेलो कपिल। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मेरे दो गर्लफ्रेंड है, मींस एक ये बात इधर एक नहीं मिल रही। दो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? और हम इधर हेलो एंड वेलकम कर रहे हैं बैठे बैठे। वाह शिवम, मजा आ गया तुम्हें देख के। सर मींस एक गर्लफ्रेंड थी और एक क्रश थी, मींस वो प्रोसेस में चालू था, वो भी गर्लफ्रेंड होने वाला। इधर एक नहीं मिल रही है, प्रोसेस चालू था। सर तो किस्सा ऐसा था कि 24 फरवरी को दोनों का बर्थडे एक साथ आता है, तो मुझे दोनों को गिफ्ट देना था। जुड़वा बहनों के साथ अफेयर तो नहीं शुरू हो गया तुम्हारा? दोनों का बर्थडे एक साथ? तो सर एक्चुअली क्या हुआ था सीन कि दोनों को मुझे गिफ्ट देना था। अच्छा, तो 23 को मैं एक मॉल में गया, एक ड्रेस चॉइस किया और जो मेरी क्रश थी मैंने उसको उसका फोटो भेजा और उसको बोला तुझे पसंद है क्या? तो उसने बोला हाँ पसंद है। मैंने वो मॉल में से वो लिया और मैं जा रहा था, उसी में ही मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली और उसने मेरी बैग देखी और बोली क्या है इसमें? तो मैंने बोला गिफ्ट है, अभी मैं बोल देता तो पूरा ये हो जाता। फिर उसने वो देखा और बोला अरे ड्रेस ये तो मेरे लिए होगा, कल मेरा बर्थडे। तो अभी मैं हाँ ही बोला तो तुम बड़े षड्यंत्रकारी हो आप। आप अब्बास मस्तान से मिलो, आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएंगे, वो ट्रेलर कॉमेडी। तुम्हारा क्रश होगा, आप देखना जरा। क्या करते हो आप शिवम? मैं एमकॉम कर रहा हूँ सर। एमकॉम किस वक्त करते हो? एमकॉम इधर उधर तो पैर फंसाए हुए नहीं सर करते। चलो शुक्रिया शिवम। ओके थैंक यू सर। आपके अगल बगल कौन बैठे हुए हैं? बैठा भी लेडीज के बीच में है ये बंदा। कईयों का मुकद्दर ही ऐसा होता है, कुछ भी कर लो आसपास इनके ग्लैमर रहेगा ही। चलिए धन्यवाद शिवम। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल। हेलो। हेलो एवरीवन। जहाँ तक शॉपिंग का बात है कपिल, मेरे ख्याल से जेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ों में। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको कुछ लेना होता है ना। अच्छा, तो वो साथ में जाते हैं और अपने से एक साइज छोटा लेते हैं, टी शर्ट या लोवर। तो मैं बोलती हूँ कि ये क्यों लिया आपने छोटा, आपको तो आएगा नहीं। तो कहते हैं मुझे इसमें समाना है, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये मैं पहनूंगा। तो आगे वो, जब वेट कम करके और हाँ वेट कम करके, लेकिन जब घर आते हैं तो मोटिवेशन बस वहीं तक रहता है, खत्म हो जाता है। तो वो स्मॉल साइज का ढेर लग गया है घर में, बट वो आया नहीं मोटिवेशन अभी तक। आपके हस्बैंड आए साथ में? नहीं आए। तो आपके आस पास कौन बैठे हुए दो लोग? पता नहीं कौन बैठे। Actually, कपिल मैं मुंबई से आई हूँ। आप? मैं थाने से आई हूँ। थाने से आई हैं? जी। और वो अभी भी थाने के अंदर है? आपके हस्बैंड कहाँ है? वो कहाँ है? ऑफिस। ऑफिस है जी। Are you sure? हाँ बोला तो यही ऑफिस जा रहा। अच्छा, आप कुछ कह रही थी अपने बारे में, क्या करती हैं? तो मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये करो आप ये करो, तो वो मेरा योगा नहीं करके वो किसी और का योगा फॉलो करते हैं। वाह, किसका योगा फॉलो करते हो? शिल्पा शेट्टी। ये देखो ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके पति आपका फॉलो नहीं, उधर राजकुंद्रा भी शिल्पा शेट्टी का योगा फॉलो नहीं करते। देखो बाप रे बाप रे। तो नहीं पर क्या टाइमिंग है बस। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने Thank के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? हम लोग बोईसर से आए हैं, पीछे 22 लोग आए हैं आपको मिलने के लिए। आज हम लोग बोईसर से। आप शूटिंग देखने आए हो, कब्जा लेने आए हो आप? इतने लोग आए हो। हेलो 22 लोग। वैसे तो आपकी टीम हमारे लिए हमारे दिल में है, हम लोग जब सोचते ही रहते हैं मतलब कब सैटरडे और संडे हो और हम लोग बैठे हैं आपके। अच्छा, तो बाकी सोमवार से शुक्रवार क्या करते हैं आप? कभी सोमवार से शुक्रवार दूसरा सोनी टीवी देखते हैं, देखते सोनी है बस। अच्छा, वाह वाह वाह। सोनी टीवी में शेयर तो नहीं है आपका कहीं? वही चैनल देखती हैं आप? सर हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। सर आपने आज तक हमें तो दिया नहीं उन्होंने 7 साल में। सर आपके पास तो सब कुछ है सोनी टीवी का। अभी मैं आपको आपने जब मेरे काम मेरे लोगों घूम रहा है इधर सोनी का, सोनी टीवी का नहीं सब कुछ, मेरी खुद की बीवी है। ओके खुद की फैमिली है, साढ़े बीजी भी है गए। हाँ जी जी, मेरी मम्मी सर। सिया काल जी तो अनु। हाँ
हाँ जी मेन प्रोडक्शन यहीं से शुरू हुआ था जी 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 हाँ सर आपका जो क्वेश्चन था कंफ्यूजन का वो मैं अपने हस्बैंड का एक छोटा सा आपको शेयर करना चाहूंगी आए साथ में उस सर नहीं आए बहुत 22 लोग ले आए आप मेन आदमी लेके नहीं आए तो चलिए हम आपको बता देते हैं छोटा सा एक किस्सा है जी मैम हम जाते शॉपिंग पे हमेशा साथ में ही हैं लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते साथ इसमें ले जाते हैं कार्ड देना होता है शॉपिंग के बाद में जी वो इंटरेस्ट किसी दूसरे में लेते हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी पड़ोसी भी है मेरी हाय चिनेलिया दो चिंगम एक दिन क्या हुआ हम दोनों जो शॉपिंग करी घर लाके मैंने बोला कि अरे आप पैसे खर्च कर दो थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो देखो ये बोले क्या लूं रेनू देख कितना बढ़िया उसका इंटरेस्ट है कितना टेस्ट देख उसका तू क्या वो भाई साहब के लिए शर्ट लेती है क्या बच्चों के लिए कपड़े लेती है क्या अपने लिए साड़ी लेती है तू उनसे सीख कुछ ऐसा मैंने बोला अच्छा ये देखो बोले ठीक क्या तेरा चॉइस है एकदम अच्छा नहीं है मैंने कहा ये वही शॉपिंग है जो रेनू जी ने अपने लिए की है किस दिन ले जाओ उनको मालदीव्स अच्छा। चारों तरफ पानी है भगा भगा के पीटो पर आप बड़ी मजेदार बातें करती हैं मैम बहुत प्यारा बोलती हैं आप थैंक यू थैंक यू धन्यवाद शो में आने के लिए और जितनी जल्दी हो अपनी सहेली से मिलना कम कर दो ये जो भाई साहब उस तरफ बैठे हैं ये जो आपको देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ये आपके कुछ लगते हैं नो 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 सर सर हम इस शो में इसलिए आए थे कि हंसेंगे खुल के आपने कमाल कर दिया इतना मजा आ रहा है ना बस शुक्रिया शुक्रिया मैम थैंक यू धन्यवाद आपका भी धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त कोई बात करें जी मैडम हेलो सर हेलो मैम हेलो एवरीवन हेलो आई एम सिमरन फ्रॉम मथुरा हाय सिमरन सर मेरी एक फरमाइश है आपसे जी बताइए कौन सा गाना पेश करूं सर मैं अपने हस्बैंड के साथ जूस बनाती हूं हस्बैंड का जूस बनाती क्या सर मैं अपने हस्बैंड के साथ इंस्टा पे रील्स बनाती हूं रील्स बनाती हैं अच्छा 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 बट उस पे कोई लाइक कमेंट फॉलोअर्स नहीं आते हैं हस्बैंड चेंज करके देख लो सर कोई फायदा नहीं है चेंज करने का फिर दोबारा एडजस्ट करना पड़ता है ना आए भाई साहब साथ में यस सर अच्छा अच्छा कैसे भाई साहब मैं कहने वाला था मोबाइल चेंज करके देख लो अच्छा तो फिर क्या आप चाहती हैं सर मैं चाहती हूँ मैं मैम और सर के साथ जो उनकी न्यू मूवी आ रही है उसके बाहु सॉन्ग पे रील्स बनाना चाहती हूँ हाँ बना सकते हैं ना क्यों नहीं थैंक यू सो मच सर और कोई हमारे दोस्त भाई साहब जी जी भाई साहब नमस्ते कपिल सर माय नेम इज सार्थक मुद्गल एंड मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका एंड ये मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है अभी मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी के लिए और मेरी मॉम की ये ख्वाहिश थी दैट मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूं आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े और बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ रोज़ा जाने मन पे थोड़ा सा जैम करें सो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा सो इफ़ यू कैन जस्ट प्लीज़ कोलैबोरेट विद मी अरे यार ये लड़का बहुत कमाल है मैं पहचान लिया गोपाल का फ्रेंड है और ही इज अ गिटारिस्ट है यस 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 सार्थक प्लीज कम आप लेके आए ना गिटार yes. आओ फिर आ जाओ ऑलराइट भाई ये बहुत अच्छा आप प्ले भी करते हैं और रिदम भी गिटार पे भी रिदम करते हैं गिटार पे भी तबला बजा लेते हैं क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुपर वाह बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी गुड वेरी नाइस ब्यूटीफुल लवली मेनी कांग्रेचुलेशन सार्थक थैंक यू ब्रो एक बार जोरदार ताली हमारे मेहमानों के लिए आइए रितेश आइए ये देखो वो मेरी टी शर्ट पहन के है I'm very happy to see you guys. Hashtag Kapil. रितेश भाई जनेलिया थैंक यू सो मच थैंक यू अजय सर अतुल सर साबड़े साहब बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मजा आया थैंक यू